दोस्तों कैसे हैं आप लोग और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल एजुकेशन यू में मेरा नाम है आशीष चारुशिया और दोस्तों आज हम लोग यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस के भाई लगभग कुछ 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सेशन थोड़ा सा तेज चलेगा और वीडियो को पूरा देखना किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है सबसे बड़ी आंख भाई किस की होती है बहुत से लोगों का यहाँ पर ध्यान जाता है हाथी की तरफ जिराब की तरफ पर दोस्तों सबसे बड़ी जो आंखें होती है वो हिरण की होती है अगला क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है भाई कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या है सी है इसका उत्सर्जन करने वाला सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है है दोस्तों वो संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों ये आईएमपी क्वेश्चन है और आंसर होगा इसका विद्युत आपको बताना चाहूंगा जो अभ्रक होता है ये हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा पाया जाता है ये भी चीज आप याद रखें विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया हुआ था प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है दोस्तों क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने के कारण क्या होता है खाना जो होता है जल्दी पक जाता है दाब बढ़ने पर जल का कौथनांग कैसा होगा दोस्तों दाब बढ़ाते हो आप तो जल का कौथनांग भी कैसा होता है बढ़ते चला जाता है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ये न्यूटन के किस नियम में बताया गया है तो दोस्तों ये नियम बताया गया है तीसरे नियम में थोड़ा सा समझते हैं इसे प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है कहने का तात्पर्य है अगर कोई क्रिया आगे हो रही है तो उसके पीछे भी उतनी ही प्रतिक्रिया होगी जैसे आप दोस्तों बंदूक चलाते हैं तो बंदूक की गोली आगे जाती है पर उतना ही झटका आपको पीछे की तरफ भी लग रहा है तो आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों को आगे चलते हैं तांबा का शत्रु तत्व कौन सा माना जाता है तो दोस्तों गंधक को यहाँ पर तांबे का शत्रु माना जाता है जो तांबे को डिस्ट्रॉय करता है इसीलिए उगते और डूबते हुए सूरज को आपने देखा होगा ये सूरज आपको लाल रंग के प्रतीत होते हैं लाल रंग के दिखाई देते हैं तो दोस्तों ये क्यों दिखाई देते हैं ये प्रकाश के प्राकृण के कारण क्या होते हैं आपको सूर्य जो होता है डूबते और उगते समय लाल रंग का दिखाई देता है रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई थी तो दोस्तों हेनरी बैकर के द्वारा रेडियो एक्टिवता की खोज की गई थी अगला क्वेश्चन पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वह किस तरह का बर्ताव करता है तो दोस्तों वो एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा अगर पानी के अंदर हवा का बुलबुला है तो दोस्तों आपने देखा होगा ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा गया है भाई जो कर ट्रक बस या मैं कहूं वाहन के पीछे एक आईना आपने देखा होगा ड्राइवर सीट के साइड में भी लगा हुआ होता है तो वो कौन से दर्पण का होता है तो दोस्तों वो होता है उत्तल दर्पण आगे चलते हैं ऐसे तत्व जिनमें धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई वो उप कहलाते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण शामिल होते हैं अगला क्वेश्चन वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है तो थ्रियो को ये वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं आप इसे याद रखें निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी तो दोस्तों इस बात में जो होता है ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है इसे आप नोट डाउन करना बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर अगर चंद्रमा में बम विस्फोट होता है तो क्या इसकी आवाज सुनाई देगी पृथ्वी तक भाई बिल्कुल भी नहीं देगी आप इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा नोट डाउन करें दोस्तों दूसरा रीजनिंग क्वेश्चन है ये चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है आप इसे जानते हैं तो पलायन बेग भी पलायन बेग के कारण क्या है यहाँ चंद्रमा में वायुमंडल नहीं पाया जाता है अब दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन एक लड़की झूला झूल रही है अगर उसके पास एक दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो झूले का आवर्तकाल कैसा होगा दो, दोस्तों झूले का जो आवर्त काल होगा वो कैसा होगा आप परावर्तित रहेगा कैसा रहेगा दोस्तों आप परावर्तित रहेगा ध्यान रहे इस बात का अगला क्वेश्चन हम देखें तो हम रेडियो की जो बटन है उसे सेट करके अलग अलग प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो में ये प्रोग्राम किस तरह प्रसारण संभव हो पाता है तो दोस्तों अनुनाद के कारण क्या होता है ये चीजें संभव हो पाती है आगे चलते हैं वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं तो भाई जल की प्रभाव की दर जो होती है ये वेंचुरी मीटर से ज्ञात की जाती है आप इसे बिल्कुल याद रख सकते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेंगे इक्कीस नंबर का उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए आंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए दोस्तों अगर उपग्रह में उग्रे में समय ज्ञात करना है तो स्प्रिंग घड़ी भाई स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग किया जाता है नोट डाउन करना दाब का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे पास्कल पास्कल क्या कहेंगे दोस्तों? पास्कल कहेंगे दोस्तों याद रखना है इस चीज को खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए भाई खाना पकाने का जो बर्तन है वो उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला और निम्न चालकता वाली होना चाहिए जिससे जल्दी से खाना पक जाए झरने का जब जल आपने ऊंचाई से गिरता हुआ देखा होगा तो दोस्तों जब वो जितनी ज्यादा ऊंचाई से गिरेगा उसका ताप उतना क्या होता है बढ़ जाता है भाई बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है ये आपको बताया जा रहा है दोस्तों तो ये हुई है ग्रीक भाषा है ना बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ये ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई है ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं छब्बीस नंबर का क्यूरी किसकी इकाई का नाम है तो रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम क्यूरी है

इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं तो आपको बताना चाहूंगा जो इंद्रधनुष होता है उसमें सात रंग होते हैं क्या होते हैं सात रंग होते हैं सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल दो सेकेंड दो सेकेंड होता है सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल भारतीय अनु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों ये स्थित मिलेंगे आपको बेंगलोर में कहाँ देखने को मिलेंगे बेंगलोर में मिलेंगे आगे हम चलते हैं पराध्वनिक विमानों की चाल कैसी होती है तो भाई ध्वनि की चाल से अधिक होती है जो पराध्वनिक विमान होते हैं भू स्तर उपयोग उपग्रह की पृथ्वी की से ऊंचाई कितनी होती है लगभग दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर छत्तीस हजार किलोमीटर के आसपास उनकी ऊंचाई होती है चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई हिप्पोक्रेटस की शपथ उन्हें दिलाई जाती है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये कार का रेडिएटर क्या कार्य करता है तो दोस्तों कार का जो रेडिएटर होता है ये इंजन को ठंडा करने का कार्य करता है मनुष्य का ताप कितना होता है लगभग थर्टी सेवन सेल्सियस जो होता है मनुष्य का ताप माना जाता है समान ताप कहूं तो मैं दूरदृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति कैसा होता है दोस्तों दूरदृष्टि दोष दोस्त में व्यक्ति को दूर की चीजें दिखाई देती है पर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है याद रहेगा इस बात को आगे चलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक जरूर करना और दोस्तों सब्सक्राइब भी जरूर करना आगे चलते हैं किताब के ऊपर रखे हुए लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षर का आकार आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों समझिए ये लेंस कैसा है ये उत्तर लेंस है अगर शब्दों का आकार आपको छोटा हुआ दिखाई देगा तो ये समझिए आप ये अवतल लेंस है तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण भाई तारे क्यों टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं इस चीज को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है भाई न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो है दोस्तों एक आवेश रहित कण है ये चीज आप थोड़ा सा याद रखिए अगले क्वेश्चन की तरफ निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो भाई वैग्नी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है डाई आप भाई डाई आफ्टर जो है ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है नोट डाउन करना रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है तो ये रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों आगे हम चलते हैं तो न्यूटन की गति के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है द्वितीय नियम यहाँ पर अगर ऑप्शन तो दिए नहीं है बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है ये यहाँ पर दोस्तों सही होगा बिल्कुल आगे चलते हैं दलदल में जो व्यक्ति फंसा हुआ होता है उसे लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है क्योंकि दोस्तों वो व्यक्ति अगर लेट जाएगा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और क्षेत्रफल बढ़ने के कारण दाब कम हो जाएगा जिससे उसके धंसने के चांस क्या होंगे थोड़े कम हो जाएंगे अगला क्वेश्चन है बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाएंगे क्यों चिपक जाते हैं भाई क्योंकि दाब अधिक होने के कारण जो होता है वर्ब का गलनांक जो होता है वो घट जाता है जिस वजह से वो टुकड़े होते हैं चिपक जाते हैं मैथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह क्या है दोस्तों तो वह बृहस्पति है बृहस्पति के वायुमंडल में मैथेन उपस्थित है ये चीज़ आप याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूं आगे चलेंगे प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होते हैं ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं प्रोटीन के पाचन में काफ़ी महत्वपूर्ण है ये अगला अगर हम क्वेश्चन देखें दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो रहा है ये उन देशों के जहाँ के लोग क्या करते हैं मुख्य ध्यान पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं भाई पॉलिश किए हुए चावल में आपको बताना चाहूँगा थाइमिन की कमी हो जाती है विटामिन बी की कमी हो जाती है पॉलिश किए हुए चावल में तो वहाँ ना बेरी वेरी रोग उन लोगों को हो सकता है अगला क्वेश्चन देखते हैं मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र हो जाने के कारण थकान होती है तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल भाई लैक्टिक अम्ल जब क्या होता है मांसपेशियों में एकत्रित होने लग जाता है तो व्यक्ति को थकान महसूस होती है प्रकाश वर्ष होता है एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की जाने वाली दूरी होती है ये आप याद रखना है इसे हम प्रकाश वर्ष के प्रकाश वर्ष कहते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो फैदोमीटर फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है आप बिल्कुल इसे लिख सकते हैं कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी हुई होती है तो दोस्तों ये बनी हुई होती है सिलिकॉन की किसकी बनी हुई होती है सिलिकॉन की बनी हुई होती है कंप्यूटर की आईसी चिप्स ये थोड़ा सा आप नोट डाउन करना अगला क्वेश्चन देखेंगे वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजर गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है उसे आप दोस्तों क्या कहते हैं उसे आप मुख अक्ष कहते हैं भाई आपने देखा होगा कुछ इस तरह का दर्पण बना हुआ होता है और ये जो रेखा दिखाई दे रही है आपको इसे हम मुख अक्ष के नाम से जानते हैं दोस्तों आगे हम चलेंगे अगला क्वेश्चन कहता है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले वैज्ञानिक कौन थे तो दोस्तों वो लेमार्क थे और ट्रे, ट्रेविरेनस। ये दोनों वैज्ञानिक थे याद रखेंगे आप लोग कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है दूरी होता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये दोस्तों एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है तो एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाता है याद रखेंगे आप चलते हैं कोई कण एक सेकेंड में जितना कंपन करता है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है पर जो है ये दूरी की इकाई है ध्यान रखना है इसमें निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है तो दोस्तों सीसा सीसा नोट डाउन करना सीसा धातु होते हुए भी जो विद्युत का कुचालक होता है और जो मैक्सिमम धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है निम्नलिखित में से किस अधातु को जाती है तो वो होगा आपका आयोडीन और ग्रेफाइट दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है यहां पर एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस बराबर बराबर अड़ू में भरी हुई है यदि गुब्बारे में छेद कर दिया जाए तो कौन सी गैस तेजी से बाहर निकलेगी दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है ये तेजी से निकलेगी ऑक्सीजन के कंपेरिजन में अगला क्वेश्चन देखते हैं कपूर के अगर छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएँ तो वो जल की सतह में तैरते रहते हैं नाचते रहते हैं क्योंकि पृश्च तनाव के कारण दोस्तों ऐसा होता है पृष्ठ तनाव के कारण पानी का घनत्व अधिकतम होता है चार सेल्सियस पर पानी का घनत्व कब अधिकतम होता है चार सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है भाई कैंडेला कैंडेला दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रा के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों वो जीव विज्ञान कहलाता है इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं अगला हम क्वेश्चन देखें फाइकोलॉजी किसके अध्ययन किया जाता है तो फाइकोलॉजी में सेवाल का अध्ययन किया जाता है किसका दोस्तों शैवाल शहवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है दोस्तों जो जूल है ये अगर आप इकाई की बात करेंगे तो ये ऊर्जा की इकाई है किसकी इकाई है दोस्तों जूल जो है ये ऊर्जा की इकाई है इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं आगे हम चलेंगे मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कब लागू किया गया था तो 1971 की यह बात है दोस्तों ये लागू जब किया गया था चमगादड़ अंधेरे में उड़ती है आपने देखा होगा क्योंकि दोस्तों चमगादड़ परा सर्व तरंगी उत्पन्न करती है इसीलिए वो क्या होती है अंधेरे में उड़ पाती है अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है तो दोस्तों ये पी शाखा के अंतर्गत आता है जीव विज्ञान की शाखा की, की अगर हम बात करें तो फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है तो फ्लोरिकल्चर फ्लोरिकल्चर दोस्तों इसे कहा जाता है आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं निम्नलिखित में से एक कौन सा अस्थाई कण है तो भाई न्यूट्रॉन जो है एक अस्थाई कण है परमाणु नाभिक के अवयव क्या होते हैं तो भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं आपने देखा होगा ये परमाणु मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इसके अवयव होते हैं भाई यहाँ सजावटी वृक्ष या झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है ये आरोबी कल्चर कहलाता है ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होता है इसे चश्मे के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा तो इसे अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा और दूरदृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति है उसे उत्तर लेंस का चश्मा यहाँ पर यूज करना चाहिए दोस्तों दोस्तों आप लोग ये बताएंगे कि हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को क्या इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए भाई इतने सारे क्वेश्चन आपको कराए गए कैसा लगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना रात नौ बजे होगी लाइव क्लास चाहिए पीडीएफ तो ज्वाइन करना हमारा टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर में जाना टेलीग्राम को डाउनलोड करना डाउनलोड करने के बाद वहाँ एजुकेशन फोरियम लिखकर सर्च कर लेना बस आपके सामने दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाएगी और आप पा पाएंगे पीडीएफ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो